सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखण वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करदी हां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे वल। पागल कहते सुखबीर बादल ते भड़के मान कहा है पागल तुहाडे वांग पंजाब नूं लुटदा नहीं। सीएम ने सुखबीर का बयान भी किया ट्वीट। लॉरेंस नूं बठिंडा दी केंद्रीय जेल किया गया शिफ्ट। दिल्ली पुलिस ने बिश्नोई नूं दिल्ली तो लिया सख्त सुरक्षा के दरमियान किया गया शिफ्ट। मुख्यमंत्री सुखू का वड्डा बयान बीबीएमबी के नाल नाल चंडीगढ़ च भी हिमाचल की हिस्सेदारी हिमाचली हितों की पैरवई करना उन्हां दी जिम्मेवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वेले की वड्डी खबर के नाल। सुखबीर बादल वालों सीएम मान नूं पागल कहते मुख्यमंत्री भगवंत मान भड़कते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पागल तुहाडे वांगू पंजाब नूं लुटदा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे नाल कुदरत है, मेरे नाल पंजाब सूबे के लोग ने। सीएम मान ने सुखबीर बादल का बयान भी ट्वीट किया। दरअसल मोहाली दे विच एक प्रोग्राम दौरान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने एक विवादित टिप्पणी की सी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखे आ देखो पंजाबी उन्हों का दिमागी संतुलन खराब। बादल भी साहब, कैप्टन भी साहब, बेअंत सिंह भी साहब तो बरनला भी साहब तो मैनू पागल दस रहे। जदों दा पंजाब बनया है चार मुख्यमंत्री बने तीन ही समझ लो। बरनला साहब तो मैं लगता ढाई साल ही रहे हैं, पर बादल साहब बने तकरीबन 20 साल, कैप्टन अमरिंदर सिंह बने 10 साल, बेअंत सिंह बने 5 साल, ते अपने आ जिहड़ा अज वाला पागल जा वह मैं लगता साल ही होया। कारोबारी तो रंगदारी ते गोली चलाउण दे केस विच दिल्ली पुलिस वालों गिरफ्तार किए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं रिमांड खत्म होण तों बाद बठिंडा दी केंद्रीय जेल सुरक्षा दे मद्देनजर लियांदा गया है। दस दईए कि 9 जून नूं तिहाड़ जेल दे अधिकारियां ने पटियाला कोर्ट विच अर्जी दायर करके मंग कीती सी कि लॉरेंस नूं उस दी पुरानी जेल बठिंडा च भेजा जावे। इस विच जेल प्रशासन दा तर्क सी कि लॉरेंस खिलाफ ज़्यादातर केस पंजाब ते राजस्थान विच दर्ज ने, इसलिए उस नूं राजस्थान ते पंजाब लिजाण दी प्रक्रिया जारी है, इसलिए उसनों बठिंडा जेल च भेजा जाए। दिल्ली लियाउण तों पहलां बठिंडा जेल च बंद सी ते अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन की इस मांग नूं मंजूरी दी है। 14 जून नूं पुलिस रिमांड खत्म होने तों बाद दिल्ली पुलिस अद्धी रात नूं बठिंडा की केंद्रीय जेल विखे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं लैके पहुंची है। करीब 1 बजे के लगभग जेल प्रशासन वालों कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तों बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं बठिंडा की केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनज़र इस मौके दिल्ली पुलिस के नाल पंजाब पुलिस दीआं टीमां भी तैनात की गई सन। आधुनिक हथियारों नाल लैस सुरक्षा दस्तियां वालों गैंगस्टर बिश्नोई नूं बठिंडा की केंद्रीय जेल लियांदा गया। एनआईए ने लंडन विच भारतीय हाई कमिशन के कंपलैक्स विच हुई भनतोड़ की जांच के संबंध में 45 लोगों की तस्वीर जारी की ने। लोगों की पछाण की अपील की है। एनआईए ने कहा कि जिस कोल भी इन्होंने लोगों बारे जानकारी है एजेंसी नूं सूचित करे। ये लोग मार्च में लंडन विच हाई कमिशन की भनतोड़ कर भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने लिए जिम्मेवार सन। इस तों पहला एनआईए ने वीडियोज़ भी जारी कीतियां सन ते हिंसक प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों की पछाण करने में आम लोगों की मदद मंगी सी। एनआईए ने अपने अधिकारित ट्विटर हैंडल से लिखा है कि लोग भारतीय हाई कमिशन लंडन से हुए हमले में शामिल सन, जे किसी को इन बारे कोई जानकारी हो शेयर करो। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू का कहना है कि बीबीएमबी के नाल नाल चंडीगढ़ विच भी हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री समेत होर सूबों नाल गल करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचली हितों की पैरवाई करना उन्हों की जिम्मेवारी है ता कि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिले। सुखविंदर सिंह सुखू पत्रकारों नाल रस्मी गलबात कर रहे सन। केंद्र सरकार वालों हिमाचल को बीबीएमबी चो पानी देने लिए एनओसी की शर्त हटाने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री वालों प्रधानमंत्री को लिखे पत्र से मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस मसले से पंजाब के मुख्यमंत्री नाल गल करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहला पंजाब का
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। पिछले कई दिनों तो लू ते गर्मी झेल रहे सूबे दे लोकां नूं कुछ राहत महसूस हुई है। लुधियाना, हुशियारपुर, पटियाला, अमृतसर ते जलंधर सने कई जिलों विच तेज हवावां नाल भारी मीह पिया। मौसम विभाग ने मीह की संभावना प्रगटाई है। विभाग के पूर्व अनुमान मुताबिक पंजाब विच एक बार फिर तो पछमी गड़बड़ी हो सकती, जिसके चलते 18 जून तक पंजाब विच तेज हवावां चलन की संभावना है। उधर अमृतसर विच भारी बारिश ते हनेरी नाल लोगों का काफ़ी नुकसान होया। कई साल पुराने दरखत उखड़ गए, कई लोगों दी गड्डियां का भी नुकसान होया। इस दे नाल ही बिजली ते टैलीफोन विभाग का काफ़ी नुकसान होया। इस मौके गल कर गड्डी के मालिक ने दसे कि एक दरख्त जड़ों उखड़ के उन्हां दी गड्डी ते अड़ गया ते मौके ते मौजूद ट्रैफिक अधिकारी वालों रस्ता साफ कराने की कोशिश की जा रही है। इस दे नाल ही सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे दर्शन करने आए लोगों ने इस बारिश का आनंद माणिया। अमृतसर के कंपनी बाग के बाहर शरदई वाले निहंग सिंह वालों लगाई गई दुकान नूं बीते दिन ही निगम वालों चुकवा दिता गया सी। जिस तों बाद एक तुषार नामी हिंदू व्यक्ति वालों अपनी दुकान के बाहर इस निहंग सिंह नूं जगह दी गई है। इस मौके निहंग सिंह ने खुशी जताते हुए उक्त व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया। अजनाला दे पिंड बल्लड़वाल विखे नजायज रेते दा कारोबार करन वालियां नूं उस समय हत्थां पैरां दी पै गई जदों माइनिंग विभाग दे अधिकारियां वल्लों पुलिस मुलाजमां दी हाजरी विच उहनां दे रेते नाल भरे वाहन नूं रोकिया गया। पुलिस मुलाजमां नाल हत्थों पाई होण तों बाद उह वाहन नूं मौके तों भजा के लै गई, जिस तों बाद पुलिस थाणा अजनाला दे मुखी इंस्पैक्टर मुख्तार सिंह ते उहनां दी टीम वल्लों करीब 18 किलोमीटर पिछा करन तों बाद घेरा पा वाहन समेत चार दोषियां नूं काबू कर मामला दर्ज किया गया। इस संबंधी जानकारी देंदिआं पुलिस थाणा अजनाला दे मुखी इंस्पैक्टर मुख्तार सिंह ने दस्सिआ कि माइनिंग विभाग दे अधिकारियां वल्लों एक नजायज़ रेते नाल भरे वाहन नूं काबू करके पुलिस हवाले किया गया सी, जिस नूं पुलिस पार्टी थाने लैके आ रही सी ते कुछ मोटरसाइकल सवार व्यक्ति पुलिस नाल हत्थों पाई होण लगे ते मुलाजमां दी वर्दी फाड़न तों बाद वाहन लैके मौके तों फरार हो गए, जिस तों बाद उन्हां वल्लों टीम बना के करीब 18 किलोमीटर पिछा करन तों बाद दोषियां नूं वाहन समेत काबू कीता ते मामला दर्ज कर लिया। कलकत्ता दे नेता जी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट विच अग लगण नाल हफड़ा दफड़ी मच गई। सारे यात्रियों ते स्टाफ नूं एयरपोर्ट तों बाहर कढ़िया गया ते तकरीबन अद्धे घंटे की मुशक्कत तों बाद अग ते काबू पा लिया गया। इस हादसे विच किसी यात्री दे जख्मी होने की सूचना सामने नहीं आई है। जानकारी मुताबिक 9:15 बजे के करीब एयरपोर्ट के चैक इन एरिया लागे अग लगी। एयरपोर्ट स्टाफ ने पूरी मुस्तैदी दिखाउंदिआं फौरन सारे यात्रियों नूं सुरक्षित बाहर कढ़ना शुरू किया ते अग ते काबू पाउण दीआं कोशिशां आरंभियां गईआं। एयरपोर्ट अथॉरिटी मुताबिक सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर काढ़ लिया गया, कोई भी हादसे में जख्मी नहीं हुआ ते तकरीबन आधे घंटे बाद अग ते काबू पा लिया गया। उधर मोगा जिले के पिंड मानुके गिल विच आपसी रंजिश के चलते एक घर विच दाखिल हो गए कुछ व्यक्तियों ने तेज धार हथियारों नाल कई व्यक्तियों नूं बुरी तरह वट दिता। इस मौके से जानकारी दिंदिआं घर की महिला मनजिंदर कौर ते दलजीत सिंह ने दस्सिया कि उन्हां दा घर पिंडों बार बार है ते साडे घर दे नाल ही कंता सिंह की मोटर लगती है ते कंता ते होरना वालों अपनी मोटर ते दे व्यापार दा धंधा चलाया जा रहा है। इस संबंधी उन्हां मौतपुर व्यक्तियों राही उन्हां नूं समझाया तां कंता सिंह ते उसके बेटे वालों 15 तों 20 व्यक्तियों नूं नाल लैके उन्हां दे घर अंदर दाखिल
दाखिल होके घर के मैंबरां ते जानलेवा हमला किया गया, जिस दरमियान इकबाल सिंह ते कई होर परिवारिक मैंबरां ते तेज धार हथियारां नाल वार किए गए। इस दौरान इकबाल सिंह का गुट बाह नालों वक हो गया। हमलावरों ने उनके घर की भी भनतोड़ की है, फायरिंग की। महिला ने दसिया कि उन्हें इस संबंधी थाना निहाल सिंह वाला की पुलिस को सूचित कर दिया है। श्री हरिमंदर साहब के दर्शनों लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलत लिए श्रोमणी कमेटी वालों अणथक यतन जारी ने। इसे दे चलदे श्री हरिमंदर साहब नेड़े केसरी बाग विखे श्रोमणी भगत नामदेव जी यात्री निवास की उसारी का काम जारी है, जिथे अरदास उपरंत बेसमेंट के लेंटर की सेवा शुरू की गई, जो श्रोमणी कमेटी वालों बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाल सौंपी गई है। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के फिर हाजिर होवेंगे। तद तक लिए दो इजाजत, धन्यवाद।